नमो नमः। आज हम भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब भरत मुनि जो उपस्थित जो ऋषि गण हैं उनकी प्रश्नों के उत्तर का समाधान करते हुए इन वाले श्लोकों में वे संग्रह और कारिका तथा निरुक्त की भूमिका के संदर्भ में बताते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इनके अर्थ को देखेंगे। दोनों कारिकाओं में क्या बता रहे हैं भरत मुनि। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनिनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभाव विकल्पम्। क्या कह रहे हैं? तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनिनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभाव विकल्पकम्। चौथा वाला कारिका है, ये पांचवी कारिका है, उसका भी वाचन देखते हैं। अहम वगतिषामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहकम् कारिकाम् च एव निरुक्तम् च यथा कर्मम्। क्या बता रहे पांचवी कारिका में? अहम वगतिषामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहकम् कारिकाम् च एव निरुक्तम् च यथा कर्मम्। अन्वय दोनों कारिकाओं का इस तरह से होगा, एक ही साथ देखते हैं, दोनों कारिका जुड़ी हुई है। तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा भरतो मुनिः पुनः रस भाव विकल्पकं वाक्यं प्रत्युवाच हे तपोधना अहं व निखिलेन संग्रहं कारिकां च एव निरुक्तं च यथाक्रमं कथिष्यामि। यानी कथिष्यामि यानी कहूँगा, क्या कहूँगा? तेषां मुनीनां यानी वे मुनिगण जो भरत मुनि से अपने प्रश्नों का समाधान लेकर नाट्यशास्त्र के विषय में जो शंकाएं थी उनके संदर्भ में भरत मुनि बता रहे हैं कि तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा यानी उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरतो मुनि यानी महर्षि भरत मुनि पुनः रस भाव विकल्पम वाक्यम प्रत्युवाच। पुनः यानी फिर से रस भाव यानी रस तथा भाव से विकल्पकम वाक्यम उवाच यानी इस प्रकार के वाक्यों को बोले, इस प्रकार के वाक्यों का उन्होंने अनुसरण किया, अपनी वाणी से उद्घाटित किया। कौन से वचनों को क्या कहा उन्होंने? हे तपोधना यानी हे तपोवन के धन, तपोवन के धन या तपस्वी गण जो ऋषिगण जो होते हैं वे वन में निवास करते हैं, तो उनकी उपमा के संदर्भ में आया है कि हे तपो के धन यानी तपोवन में निवास करने वाले तपस्वी गण। अहम वह यानी मैं, वह निखिलेन यानी मैं आपको निखिलेन संग्रह यानी निखिलेन करते सकल विस्तार पूर्वक फैला हुआ यानी मैं आपको विस्तार पूर्वक संग्रहम कारिकाम च एव यानी संग्रह कारिका च एव निरुक्तम और निरुक्त के विषय में यथाकर्मम यानी यथाकर्म यानी कर्मश्य से कथिष्यामि यानी मैं आपको कहूँगा यानी क्रमबद्धता रूप से मैं आपको संग्रह कारिका और निरुक्त के बारे में आपको मैं बताऊँगा, आपको मैं इन प्रश्नों का समाधान आपका कहूँगा। एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि तेषां मुनीनां वचनं श्रुत्वा यानी उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरतो मुनि यानी भरत मुनि पुनः रस भाव विकल्पम वाक्यम प्रत्युवाच तथा रस तथा भावों वाले इस वाक्य को बोले हे तपोधना यानी हे तपोवन के तपस्वी तपोवन के धन अहम व निखिलेन संग्रह कारिकाम यानी मैं आपको विस्तार पूर्वक निखिल यानी सकल संग्रह कारिकाम च यानी संग्रह कारिका और निरुक्त के विषय में यथाक्रम प्रतिशानी यानी क्रमबद्धता के रूप में क्रमशः मैं आपको बताऊंगा। भरत मुनि ऋषियों के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। जब उपस्थित ऋषियों ने भरत मुनि से भाव संग्रह कारिका एवं निरुक्त आदि के विषय में प्रश्न पूछे तब अत्यंत प्रसन्न मना भरत मुनि भी उनके प्रश्नों को सुनकर रस एवं भावों के लक्षण परक वाक्यों को कहने लगे। अर्थात भरत मुनि ने रस किसे कहते भाव किसे कहते इत्यादि का समाधान करना प्रारंभ किया। भरत मुनि ने उन उपस्थित ऋषि गणों के प्रश्नों के समाधान को उल्लेखित कर कहते हैं कि हे तपोवन के तपस्वी गण, हे तपस्वी आपने अत्यंत विनयतापूर्वक आदरपूर्वक भाव संग्रह कारिका तथा निरुक्त आदि के विषय में प्रश्न पूछे हैं, अतः संप्रति मैं इन सभी प्रश्नों का समाधान विस्तार पूर्वक आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी ध्यानचित्त
एकाग्रचित होकर मेरे इन सारे जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनके समाधान को आप सुनिए। इस तरह से इन दोनों कारिकाओं में भरत मुनि अपने भाव संग्रह कारिका और निरुक्त की भूमिका के रूप में इसका उल्लेख इन श्लोकों में किया गया है। एक बार पुनः कारिकाओं का वाचन करते हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनिनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रसभाव विकल्पम्। चौथी कारिका है, पांचवी। अहं वक्तिष्यामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहं कारिकां च एव निरुक्तं च यथा कर्म। यानी तेषां मुनिनां वचनं श्रुत्वा, यानी उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरतो मुनि यानी भरत मुनि पुनः रस भाव विकल्प यानी वाक्यम प्रत्युवाच यानी भरत मुनि पुनः रस भाव वाले इन वाक्यों को बोले कि हे तपोधना यानी हे तपोवन के तपस्वी अहम व निखिलेन यानी मैं आपको विस्तार पूर्वक संग्रह कारिका और निरुक्त के विषय में क्रमशः मैं आपको बताऊंगा। किसी भी ग्रंथ की जो समीक्षा है वह उद्देश्य लक्षण और परीक्षा यानी जो कहने का तात्पर्य जो उद्देश्य वही संग्रह कहलाता है, लक्षण है वही कारिका कहलाती है, परीक्षा वही निरुक्त कहलाती है। और इन ये तीनों के उद्देश्य संग्रह लक्षण को कारिका और परीक्षा निरुक्त इन्हीं के द्वारा किसी भी ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। ओ नमः। आज हम भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय का छठा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब भरत मुनि उपस्थित जो मुनिगण नाट्यशास्त्र के विषय में प्रश्नों का करते हैं उन प्रश्नों के समाधान को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं उसी का उल्लेख इस कारिका में किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। उपस्थित मुनियों के प्रश्नों का समाधान कर भरत मुनि इस कारिका में क्या कह रहे हैं। न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुम् अन्तं कथं वचनः कस्याद् बहुत्वज्ज ज्ञानानां शिल्पानां व्याप्य अनन्तः। क्या कह रहे, न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुम् अन्तं कथनञ्चन कस्याद् बहुत्वताच्च ज्ञानानां शिल्पानां व्याप्य अनन्ततः। ज्ञान के संदर्भ में बता रहे हैं कि ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान जो शिल्प होते हैं वह अनंत होते हैं, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी उसका पारावार नहीं कर सकता है। उसी को संदर्भ में बताते हुए भरत मुनि कह रहे हैं कि न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुम् अनन्तं कथञ्चन कस्याद् बहुत्वजात् ज्ञानानां शिल्पानां व्याप्य अनन्ततः। कारिका की जो अन्वय है वह इस तरह से होगा, अस्य नाट्यस्य अन्तम् गंतुम कथंचन शक्यम कश्याद बहुत्वाद ज्ञानानाम शिल्पानाम व अनंत अस्य नाटिकस्य यानी इस नाटक का अंतम गंतुम अंत यानी इस नाटक का अंत गंतुम यानी पाना या गंतुम या पाने के संदर्भ में यानी इस नाटक का अंत पाना कथम चन शक्यम यानी किसी प्रकार से शक्य यानी न शक्यम नहीं है यानी किसी भी प्रकार से संभव नहीं। कहने का तात्पर्य इस नाटक के पूरे इस नाट्य शास्त्र को समझना किसी भी प्रकार से संभव नहीं यानी इस लौकिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं कि सारे ज्ञान को एक ही जगह प्राप्त कर सके। इसीलिए भरत मुनि करें अस्य नाटकस्य अंतम गंतुम कथनम शक्यम न यानी इस नाटक का अंत पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है क्योंकि कश्चात बहुत्वाद ज्ञानानाम शिल्पानाम व अनंततः क्योंकि बहुत्वाद यानी क्योंकि ज्ञान एवं शिल्प जो होते हैं वे क्या होते हैं अनंततः यानी अनंत होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भरत मुनि बता रहे हैं कि अस्य नाट्यस्य अंतम गंतुम कथंचन शक्यम यानी इस नाटक का अंत पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है क्योंकि बहुत्वाद क्योंकि जो बहुत सारा जो ज्ञान एवं शिल्पानाम यानी जो शिल्प जो कला है अनंत यानी वे अनंत होते हैं। नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि जो ऋषिगण अपने नाट्यशास्त्र विषय जिज्ञासु ऋषिगण उपस्थित हुए उन महर्षियों से अब कह रहे हैं कि हे तपोवन के तपस्वीगण अपने नाट्य वेद की उत्पत्ति विषय वस्तु आदि के संबंध में अनेक प्रश्न किए हैं। संप्रति में यथा अति उन प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ तथापि मेरा मत है कि इस संसार में
कोई भी व्यक्ति नाट्यशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। नाट्यशास्त्र तो अगाध रत्नाकर है, ऐसा ज्ञान का समुद्र है कि जिसका कोई भी पारावार नहीं है, अतः उससे का अंत पाना मानव के लिए कदापि संभव नहीं है। हम इस लौकिक जगत में देखते हैं कि इस जगत में ज्ञान तथा शिल्प अनंत होते हैं, अतः सभी ज्ञानों एवं सभी शिल्पों का परिज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने व्याकरण आदि शास्त्रों को ज्ञान तथा चित्र पुस्तक आदि रचना को शिल्प कहा है। नाट्यशास्त्र सभी ज्ञानों एवं सभी शिल्पों का प्रतिपादक ग्रंथ है। जब किसी एक ज्ञान एवं एक शिल्प का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसके अंत को पाना अत्यंत कठिन है, तो इन सभी ज्ञानों एवं शिल्पों के प्रतिपादक नाट्य वेद के विषय में तो कहना ही क्या, अर्थात नाट्यशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के इन प्रमुख तत्वों को बताने से पहले नाट्यशास्त्रीय ज्ञान की अनंतता का प्रतिपादन किया है। एक बार पुनः कालिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। न सक्यमश नाट्यश गंतुम अंतम कथम चन कश्चात बहुत्व जहाज ज्ञानानां शिल्पानां वाप्य अनंततः। ऐसे नाट्यश अंतम, यानी इस नाटक का अंत पाना गंतुम कथम चन सक्यम, यानी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि कश्चात बहुत्वादियों क्योंकि ज्ञान एवं जो शिल्प होते हैं ज्ञानानां शिल्पानां वा अनंततः, क्योंकि ज्ञान एवं शिल्प जो होते हैं वे क्या होते हैं, अनंत होते हैं। धन्यवाद।